एवरीवन, पुरुष क्रिएटिव फूड लैब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक फ्री नई रेसिपी लेके आई हूँ। आप सबने डोसा तो बहुत खाए होंगे। आज एक डोसा की रेसिपी है, लेकिन विंटर स्पेशल है जो हम बनाने वाले हैं आज बाजरे में से। जी हाँ, ये बाजरा डोसा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो डोसा आज हम बनाने वाले हैं वो बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए बनाते हैं बाजरे का डोसा। डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बाजरे का आटा लिया है। ये अगर ग्राम में गिने तो ये 250 ग्राम है। इसके अंदर मैं ये पानी डाल रही हूँ। 2 कप हमने जो बाजरे का आटा लिया है इसके अंदर हम करीबन 4 कप हम पानी डालेंगे। इसके अंदर मैं 4 कप 2 कप हमने आटा लिया है इसलिए 4 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूं। ये देखिए, बिल्कुल इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए। इसे अब हम ढककर करीबन 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। चटनी के लिए हमने टमाटर यहाँ पे रोस्ट करने रख दिया है, और एक बाउल में हमने कश्मीरी रेड चिली जो आती है उसे हमने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। इससे हम एक टैंगी चटनी बनाएंगे जिसे हम सर्व करेंगे बाजरे के ये डोसे के साथ। हमने जो टमाटर रोस्ट किए थे इसे मैंने इसकी छाल निकाल के ऊपर की छिलके निकाल दिया है, और इसे मैंने 2 पीस कर दिए हैं। ये भी हमने ले लिया है गर्म पानी में से निकाल के हमारी कश्मीरी मिर्च। इसे हम मिक्सर जार में क्रश करेंगे। जो हम डोसा आज बनाने वाले हैं इसके लिए हम एक टैंगी चटनी बना रहे हैं टमाटर की। तो चलिए इसे हम मिक्सी जार में ले लेते हैं, और ये जो हमने कश्मीरी चिली गर्म पानी में भिगोई थी वो भी इसके अंदर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर और 5 मिर्ची ली है। इसके अंदर हम डालेंगे करी पत्ते, इसके अंदर जाएगा ये भुना हुआ चना, ये है उड़द दाल जो हमने अच्छे से धो के रखी है, इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी शुगर 1 टीस्पून शुगर, सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन जूस। इसे हम पीस लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, हमारी टमाटर की चटनी पीस के रेडी हो गई है। इसके ऊपर अब हम मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ते का एक तड़का लगाएंगे। मैं इसके ऊपर तड़का जो हमने लगाया वो डाल देती हूँ। ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। चलिए अब बाजरे का डोसा बनाने की तैयारी। जब भी आप बनाओ सबसे पहले तवी को एकदम गर्म करें, फिर इसके बाद इसके ऊपर ऐसे पानी छिटके और इसे अच्छे से साफ करके इसके ऊपर आप इसे ग्रीस करें। घी, मैंने यहाँ पे घी लिया है, आप तेल भी ले सकते हो, आप ऑयल से भी बना सकते हो। इसे अच्छे से ग्रीस करके फिर ये जो हमने बैटर बनाया है इससे आप इसे अच्छे से फैला ले तवी पे। जहां जहां जगह आपको लगती है खाली वहां डाल दे। अब इसे 2 से 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दे, ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। इसके ऊपर हम
एक मिनट के बाद हम इसके ऊपर घी पोर करेंगे। इसके ऊपर हम ये घी डाल रहे हैं। अब इसे अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। ये देखिए हमारा डोसा रेडी हो गया है, ऐसे ऊपर आ गया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी और अच्छे से बन गया है हमारा। तो हम बनाने वाले हैं आगे का एक और, तो इसके लिए हम वापस ये प्रोसीजर करेंगे। बाजरे का डोसा रेडी है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। ये आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छे से बन गया है। ये कितना मस्त आवाज आ रहा है। इसे हम ये चटनी जो है हमारी टमाटर की बनाई हुई, इसमें सुपर बना है। आप इसे जरूर ट्राई करें। विंटर में इसे खाने का बहुत मजा आएगा। और आपके कमेंट्स मुझे जरूर लिखकर भेजें। और अगर कोई नई रेसिपी आपको सीखनी है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट करें। मैं आपको जरूर इसे दिखाने का ट्राई करूंगी। थैंक यू दोस्तों।